देखो, मिथपैट और नूब ये दोनों शब्द बहुत टाइम तक राइमिंग वर्ड्स थे, आई नो समानार्थी शब्द थे दोनों, मिथपैट और नूब, लेकिन अब मेरे पास आ चुका है एक सीक्रेट हथियार। ये सीक्रेट नहीं, एक्चुअली सबको मालूम है ये हथियार जो मेरे पास है, इट इज द सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अल्ट्रा अल्ट्रा, वाह 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 वाह। क्या आपको मालूम है कि ये फोन है दुनिया का सबसे खतरनाक फोन? मैंने पिछली बार भी जोक मारूंगा, एक और बार मारूंगा, दिस इज माय नाक बट दिस फोन इज चप। तो आज होने वाला है द अल्टीमेट गेमिंग चैंपियनशिप खुद के साथ। मैं एक्चुअली पिछले कितना दिन हो गया, 10 दिन 12 दिन 15 दिन से इस फोन पे बहुत सारे गेम्स खेल रहा हूँ एंड मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोल रहा, तुम लोग को जेंशन इम्पैक्ट नाम का गेम नहीं, एक्चुअली झूठ बोल रहा हूँ, इतना नहीं होता, बट कहानी सुनो। जेंशन इम्पैक्ट नाम का एक फोन क्या बोल रहा हूँ, गेम है, वो मैं खेल रहा था एंड जिस फोन पे मैं खेल रहा था वो फोन, लेकिन इस फोन पे मैंने जेंशन इम्पैक्ट खेला है, मक्खन जैसा चलता है। लाइक आप इस फोन पे कोई भी गेम खेलो, कोई भी, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है भाई भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। एक चीज दिखा दो, ये गेम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने जो किया परसों रात को, रुको किधर गया, ये देखो, ये सूर्य का फोटो मैंने लिया था, ये सन तो ठीक है, ये देखो अमेजिंग, ये मून का फोटो मैंने लिया, ये वाला। इस फोन के ग्राफिक्स इतने रियलिस्टिक है ना, इतने रियलिस्टिक, लाइक मेरे अंदर गाड़ी आ गई है। सबसे पहले हम लोग खेलने वाले हैं एस्फॉल्ट, बहुत ज्यादा हैवी गेम है, वाट लगती है फोन्स की इसमें, मैंने बहुत सारे फोन्स का अंतिम संस्कार होते हुए देखा है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैं जाऊंगा गेम सेटिंग्स में, इसमें डिस्प्ले में जाऊंगा, अभी देखो सब कुछ एकदम हाई करूंगा, म्यूजिक कम रखता हूँ क्योंकि गाना सुनते सुनते गाड़ी नहीं चला सकता, आई नीड कॉन्सेंट्रेशन। मैंने खेला इसके पहले भी ये गेम, इस फोन पे बहुत मस्त चलता है, फ्रेम ड्रॉप्स जीरो, लेट्स गो। अभी देखो तुम लोगों को देखना है मैं इस प्रो फोन के साथ कितना प्रो बन चुका हूँ। स्पीड देखो मेरी 228 किलोमीटर पर आ, यू नो व्हाई, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट फोन इन द वर्ल्ड एंड 200 की स्पीड पे गाड़ी जा रही, मजाक है क्या? ओ भाई साहब मैं फर्स्ट कर रहा है, मुझे ये भाई तू फर्स्ट नहीं जा सकता, मैं थर्ड पोजीशन पे कैसे हूँ? एक सेकंड है, मेरा पट नहीं करने का, मैं पहले ही बोल रहा है, मेरी सटका हूँ, वो जो बंदा था वो गिर गया नीचे, मैं नहीं गिरना चाहिए भाई, मैं हंस रहा हूँ दूसरों पे, अभी मैं फर्स्ट हूँ ना, मैं देख ही नहीं पा रहा इतना फास्ट जा रहा हूँ मैं अभी देखता हूँ। फिनिश अमेजिंग, ये बड़े डिस्प्ले पे खेलने का मजा ही कुछ और होता है। मैंने पिछली बार तुम लोग को बोला था ना, फोन अपना बेस्ट फ्रेंड होता है, 12 दिन से ये मेरे को चिपका हुआ है। गेमिंग के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रिप, लाइक इस फोन की ग्रिप बहुत अच्छी है, खेलते खेलते ऐसा सटकना नहीं चाहिए फोन हाथ से, मैं तो चिकन डिनर नहीं मिलता, पनीर से काम चलाना पड़ता है। स्टंबल गाइस का तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टंबल गाइस का मैं सबसे बड़ा प्रो इस दुनिया में, हनी ड्रॉप चैलेंज, ओ माय गॉड, ये सबसे डिफिकल्ट होता है, लेकिन देखते चलो। ओ माय गॉड, ये वाला चैलेंज, कम ऑन मिथपैट, तू ऊपर के फ्लोर पर है, बाकी सब लोग नीचे के फ्लोर पे गए लेकिन मैं अकेला ऊपर के फ्लोर पे, मालूम है क्यों? क्योंकि इस फोन की स्क्रीन इतनी बड़ी है कि मैं देख सकता हूँ कि मैं कौन से फ्लोर पे और मुझे किधर जाने का है। अरे यार मैं चिपक कैसे, ओ माय गॉड, वाओ वाओ, मैं अकेला ही, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर है जो बहुत फास्ट है, लाइक कोई भी गेम इस पे लैग नहीं होगा, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होंगे, कुछ नहीं। यू नो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2-3 बड़े भारी भारी गेम्स एक साथ चालू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है इस फोन के साथ। सबसे पहले मैं माइनक्राफ्ट चालू करता हूँ, मेरे को नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ट्राई करते हैं। ये देखो मैं आ गया माइनक्राफ्ट के अंदर एंड क्या करें, थोड़ा सा कुछ तो खेल लेते हैं, कुछ दिख रहा है शीप को मार लेते हैं, मजा आता है मुझे उसमें बहुत। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली माइनक्राफ्ट चालू किया मैंने, वैसे मैं पानी में जाना पड़ेगा आपको, स्विमिंग क्लासेस का टाइम है आपका। डिश्का खत्म, ओके डन, ये माइनक्राफ्ट हो गया। अभी मैं चालू करूंगा वही वो अपना कार वाला गेम एस्फॉल्ट। ये देखो स्टंबल गाइस चालू है, माइनक्राफ्ट चालू है, अभी एस्फॉल्ट, जल्दी से रेस चालू करो। ये देखो ये रेस चालू हो गई, इसको मैं टक्कर मारूंगा एंड इस गेम को छोड़ दूंगा। नाइस, रुको मेरे पास और कौन सा भारी गेम है, टेम्पल रन, मैं देखो कितना बड़ा प्रो, ये गेम को चालू रखते हैं। एंड बाय द वे 4 और गेम्स बैकग्राउंड में चालू है, तो अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं गाड़ी में वापस जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल खुद रेसिंग कर रहा हूँ पैदल पे, क्योंकि मेरे पीछे 4 बंदर लगे हैं। लेकिन अभी तुम लोग मेरा स्कोर देखो, और मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोग आई नो फील नहीं कर सकते, लेकिन ये फोन अभी तक 4 गेम्स चालू है, बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस फोन में है वेपर चेंबर कूलिंग, मतलब फोन ओवरहीट नहीं होगा, बहुत क्रेजी टेक्नोलॉजी है। इस फोन की ग्रिप भी बहुत अच्छी है, मैं अभी पकड़ रहा हूँ मेरे हाथ में, तो मुझे
बिल्कुल भी फोन स्लिप नहीं हो रहा हाथ से। एंड तुम लोग को मालूम है इस फोन में है दुनिया के सबसे फास्टेस्ट मोबाइल ग्राफिक्स। ओ माय गॉड भाई मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ। और बेस्ट चीज है गेम बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा, मालूम है क्यों? क्योंकि इस फोन में है 12 GB रैम। इसके बाद जेंशन इम्पैक्ट खेलने का, क्योंकि वो गेम क्रेजी है। हार गया, कोई बात नहीं, अभी देखो स्कोर देखते हैं। टेम्पल रन, एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट भी चालू है, स्टंबल गाइस भी चालू है, GTA मेरे पास, मतलब GTA भी हैंडल करना इजी नहीं होने वाला। ए चलो चलो घर पे जाओ, सब लोग समझता नहीं है बाहर नहीं निकलने का, दोपहर के टाइम को सोते हैं लोग। मतलब मैं अभी इस पॉइंट पे 5-6 गेम चालू रखा है, लेकिन इसके साथ जो तुम लोग देख रहे हो ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये भी चालू है। ओके अभी हम लोग ट्राई करते हैं जेंशन इम्पैक्ट, जेंशन जो भी बोलते हैं। देखा है कभी किसी फोन में ऐसे ग्राफिक्स? ओ हाँ, रे ट्रेसिंग के बारे में तुम लोग ने सुना ही होगा। अभी अभी इस फोन के अंदर तुम लोग मुझे देख सकते हो। तो ये गेम्स में भी होता है, गेम्स में अगर जो शैडोज होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, उसको रे ट्रेसिंग बोलते हैं। और मेरे खतरनाक पीसी में ये रे ट्रेसिंग है, लेकिन ये दुनिया का पहला फोन है जिसमें रे ट्रेसिंग आया है। कड़क, ये देखो ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रे ट्रेसिंग में ये सब कुछ एकदम रियल लगता है, लाइक यहाँ पे भी अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन रे ट्रेसिंग में ऐसा उसका चेहरा दिखेगा पानी में। लाइक जब रे ट्रेसिंग के गेम्स आएंगे तभी ये फोन रेडी है उस चीज के लिए। अभी मालूम है 6-7 गेम्स बैकग्राउंड में चालू है, और ये सब कुछ प्रोसेसर की वजह से, प्रोसेसर और रैम। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर, कड़क है एकदम। ये कौन है? स्क्विरल। इसको शायद मारना है हमें, इसके साथ फाइट करना है। इस फोन की बेस्ट चीज मेरे लिए तो बैटरी लाइफ है। लाइक कैमरा भी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बैटरी लाइफ चुम्मा बैटरी। मेरे को फोन चार्ज करना पसंद ही नहीं है, मतलब मैं ना बहुत ज्यादा आलसी इंसान हूँ। तो मेरा जो पुराना फोन था ना, जब वो 5% बैटरी पे होता था ना, तभी मैं घर के एक कोने से दूसरे कोने पे दौड़ के जाता था चार्जिंग करने को। लेकिन इस फोन पे 5% पे मेरे को टेंशन ही नहीं होता, 1% होता है तभी मैं मेरे सीट से उठता हूँ चार्ज करने को। भाई बहुत अच्छे से चल रहा है गेम, आई लव यू। ये देखो सब गेम्स चालू है एक ही टाइम पे, इस फोन को फर्क नहीं पड़ता भाई, मजा आ गया। अभी मैं काम करता हूँ, मैं कौन सा गेम खेलूँ अभी? स्टंबल गाइस खेलता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है वो गेम। लेकिन तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, यू नो, बिकॉज क्या, लाइक करने का कोई कारण नहीं होता, बस लाइक करना होता है। भाई ने बोला तो बोला, चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो। और अभी मैं निकलता हूँ, और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अखियों से गोली मारे।